हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है एकदम बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट जूलॉजी के साइटोलॉजी और जेनेटिक्स के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एनालिसिस। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पर्पज़ से। तो हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, हु प्रपोज द सेल थ्योरी? सेल थ्योरी को किसने दिया था? तो स्लाइडन और स्वान दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए थे और सेल थ्योरी दिया था। स्लाइडन एक बोटनिस्ट हैं, ठीक है, जर्मन बोटनिस्ट थे जिन्होंने सन 1938 में, और स्वान एक जूलॉजिस्ट हैं। कौन है? जूलॉजिस्ट। इन्होंने 1939 में अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। ये जो स्वान थे ये एनिमल सेल पे एक्सपेरिमेंट करते थे, और स्लाइडन ये प्लांट्स सेल पे एक्सपेरिमेंट करते थे। इन्हों दोनों लोगों ने मिलके सेल थ्योरी को प्रपोज किया था। अगला क्वेश्चन है, टर्म ओमनिस सेलुला ई सेलुला प्रपोज्ड बाय, जो ओमनिस सेलुला ई सेलुला है ये टर्म किसने दिया था? तो ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब होता है न्यू सेल का फॉर्मेशन प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है। जो नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है वो पूर्व स्थित कोशिकाओं से होती है। ये रुडोल्फ विर्चो थे साइंटिस्ट, एक रुडोल्फ विर्चो, उन्होंने बताया था। ये जो सेल थ्योरी पहले दिए थे स्लाइडन और स्वान, इसमें ही मॉडिफिकेशन किए थे ये, और इन्होंने बताया था क्योंकि जो स्लाइडन और स्वान की थ्योरी थी वो ये नहीं बता पा रही थी कि जो न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, कौन सी सेल से होता है। तो उसको बताया था रुडोल्फ विर्चो ने सन 1955 में कि जो न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है, सेल डिवीजन के थ्रू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रुडोल्फ विर्चो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोकैरियोट, इनमें से कौन सा प्रोकैरियोट है? बात की जाए वायरॉइड की, तो वायरॉइड ए सेलुलर होते हैं, जैसे वायरस और वायरॉइड ए सेलुलर होते हैं। तो ये तो ना प्रोकैरियोट है ना यूकैरियोट है, किसी में नहीं आता है। एल्गी को देखा जाए तो एल्गी कैसे होते हैं? ये होते हैं यूकैरियोट। बैक्टीरिया की बात की जाए तो बैक्टीरिया कैसे होते हैं? प्रोकैरियोट होते हैं, क्योंकि इनमें डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी अब्सेंट होती है, और इसमें राइबोसोम 70 इस प्रकार के होते हैं। बहुत सारे डिफरेंस होते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। माइकोप्लाज्मा की बात की जाए तो जैसे वायरॉइड और माइकोप्लाज्मा, वायरसेस, प्रियोन्स, ये सब एसेलुलर हैं, अकोशिकीय जीव हैं, ठीक है। तो ये यूकैरियोट प्रोकैरियोट दोनों में नहीं रखे गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट, इनमें से कौन प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है? डीएनए देखो बैक्टीरिया में भी पाया जाता है, सर्कुलर डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड, तो ये तो मिलेगा प्रोकैरियोट में। आरएनए भी है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया इतना इम्पोर्टेंट कार्य करती है, एटीपी का फॉर्मेशन करती है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करती है, एनर्जी का उत्पादन करती है, तो ये यूकैरियोट में तो पाई जाती है, लेकिन प्रोकैरियोट में नहीं है, अब्सेंट है, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य कौन करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के जगह पर उसमें मीसोसोम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मीसोसोम्स। मान लो ये एक बैक्टीरियल सेल है, क्या है? बैक्टीरियल सेल। इसकी जो इंटरनल मेम्ब्रेन होती है इसमें एक फोल्डिंग आ जाती है इस तरह से, ठीक है, ऐसे फोल्डिंग आ जाती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया मत समझ लेना। तो ये जो फोल्डिंग है इसको बोलते हैं मीसोसोम। क्या बोलते हैं? मीसोसोम। ये मीसोसोम क्या करते हैं? रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेशन, सेल मेम्ब्रेन के जो कार्य होते हैं उनमें भी, और रिप्रोडक्शन में जो रिप्रोड्यूस करते हैं जिस मेथड के थ्रू ये बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स, उसमें भी हेल्प करता है, और ऑक्सीडेशन भी करवाता है एटीपी, और एनर्जी का फॉर्मेशन भी करवाता है। तो इस तरह से प्रोकैरियोट में इंटरनल फोल्डिंग होती है, उसको बोलते हैं मीसोसोम, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ये प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है। और याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य कौन करता है? मीजोसोम्स, प्रोकैरियोट के अंदर। क्वेश्चन नंबर फाइव, द साइज ऑफ मोस्ट ऑफ द सेल्स इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन,
अगर बात किया जाए कि सेल का साइज किससे मापा जाता है, तो एंगस्ट्रॉम, मिलीमीटर, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर। तो सेल साइज मापने के लिए किसको प्रेफर किया जाता है, माइक्रोमीटर को, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, माइक्रोमीटर में मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज, इसमें से कौन नॉन मेम्ब्रेनस है। देखो इस पे बहुत क्वेश्चन पूछता है, सारे याद रखना। सिंगल मेम्ब्रेन कौन होते हैं, डबल मेम्ब्रेन कौन होते हैं, नॉन मेम्ब्रेन। इसमें सेंट्रियोल की बात की जा रही है, सेंट्रियोल, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, तो ये तीनों नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 7, बार बॉडीज आर, बार बॉडीज क्या होती है। बार बॉडी, पहला है ऑप्शन निगेटिव क्रोमेटिन, पॉजिटिव क्रोमेटिन, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टेन, पोअरली स्टेनिंग। तो जो बार बॉडी होती हैं पॉजिटिव क्रोमेटिन होते हैं, क्या होते हैं, पॉजिटिव क्रोमेटिन। क्वेश्चन नंबर 8, एक्स ओ टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन, एक्स ओ टाइप पूछ रहा है। देखो आपको बता दें, एक्स ओ टाइप पाया जाता है इंसेक्ट में, इंसेक्ट में सेक्स डिटर्मिनेशन जो एक्स ओ टाइप है ये इंसेक्ट में होता है। बात करें जेड डब्ल्यू की, तो जेड डब्ल्यू टाइप होता है किसमें, बर्ड में, किसमें, बर्ड्स में कैसा पाया जाता है, जेड डब्ल्यू टाइप। और ह्यूमन की बात की जाए तो आप लोगों को पता है एक्स वाई टाइप का पाया जाता है ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन्स, ठीक है। तो ये तीन टाइप के ही पूछे जा सकते हैं, मैक्सिमम इतने जगह से पूछता है। तो एक्स ओ इंसेक्ट, और जेड डब्ल्यू टाइप बर्ड्स में, और एक्स वाई टाइप ह्यूमन्स में। तो एक्स ओ टाइप पूछा है मतलब इंसेक्ट में। तो इसमें देखिए कौन सा एक्स इंसेक्ट का, पहला है मैन, फिर ड्रोसोफिला और ग्रेसोपर, फिर है बर्ड्स। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ग्रेसोपर। ग्रेसोपर मतलब टिड्डा बोलते हैं इसको ना हिंदी में, तो ग्रेसोपर एक इंसेक्ट है टिड्डा। इसमें एक्स ओ टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है। ड्रोसोफिला की बात करें तो इसमें मैन और ड्रोसोफिला में एक्स वाई टाइप ही होता है। क्वेश्चन नंबर 8, द बार बॉडी इज ऑब्जर्व्ड इन, बार बॉडी को कहाँ ऑब्जर्व किया जाता है। बेसोफिल्स ऑफ मेल्स, न्यूट्रोफिल्स ऑफ फीमेल, इओसिनोफिल या न्यूट्रोफिल्स ऑफ मेल्स। तो बार बॉडीज जो हैं ये मेनली न्यूट्रोफिल्स ऑफ फीमेल, फीमेल की न्यूट्रोफिल के अंदर ऑब्जर्व की जा सकती हैं आसानी से, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी मेहनत से मैंने डिज़ाइन किया आप लोगों के लिए। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वही हैं इसमें, यहीं से सारे पेपर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम ओवरी ह्यूमन एग कंटेंस, जो ह्यूमन, अगर फीमेल की बात की जाए तो उसमें जो गैमेट होता है वो होता है ओवरी। आप लोगों, अंडा, अंडाशय जो निकलता है एग, एग ओवरी से निकलता है, तो एग में एग क्या क्या कंटेन किया होता है, साथ में क्या क्या लेके आता है, कौन से क्रोमोसोम होते हैं। तो फर्टिलाइजेशन से पहले ओवरी से जब ओवम निकलता है जिसको इग बोलते हो, ठीक है, यह है क्या, इग। और इस तरह से एक स्पर्म, इसमें होता है फर्टिलाइजेशन, क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, जिससे कि या तो मेल बन सकता है फीमेल। तो इग जो होता है ये अपने साथ केवल एक एक्स क्रोमोसोम लाता है। यदि स्पर्म के पास यक्स क्रोमोसोम होगा तो यक्स, यक्स मतलब फीमेल का, फीमेल का बर्थ होगा। और अगर यक्स के साथ में क्रोमोसोम वाई लेके आया, ये लेके आया है वाई स्पर्म, तो यक्स वाई मतलब मेल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से, तो अगर स्पर्म पूछता तो इसमें यक्स वाई दोनों में से कुछ भी हो सकता था, लेकिन इग हमेशा सिंगल यक्स क्रोमोसोम ही कंटेन करता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो देखिए, पहला है वन वाई क्रोमोसोम, फिर है टू एक्स क्रोमोसोम्स, फिर वन एक्स क्रोमोसोम। तो ये जो ऑप्शन सी है राइट आंसर है। जो इग होता है, जो ओवरी से रिलीज्ड होता है इग, उसमें मियोसिस हो जाता है पहले ही, तो मियोसिस के कारण टू एक्स से वो एक्स स्टेज में आ जाता है, वन एक्स क्रोमोसोम कंटेन करता है। क्वेश्चन नंबर 11, सेक्स ऑफ अ ह्यूमन चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाई, अगर ह्यूमन चाइल्ड की बात की जाए तो उसमें सेक्स डिटर्मिनेशन किस पे डिपेंड करता है, मदर पे या फादर पे। पहला, साइज ऑफ द एग एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, देखो साइज का सेक्स डिटर्मिनेशन से कोई रिलेशन नहीं है। फिर है साइज ऑफ द स्पर्म, साइज स्पर्म का हो या एग का हो इससे कुछ नहीं
होने वाला है सेक्स डिटर्मिनेशन से रिलेटेड। फिर है सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ फादर, तो ये राइट आंसर है आपका जो फादर है, क्योंकि जो मदर होती है ना फीमेल, हमेशा अभी बताए थे आपको वो होमोजाइगस होती है, उसमें जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं हमेशा एक्स एक्स ही होते हैं, तो ये कैसे डिटरमाइन कर सकती है। और मेल में एक्स और वाई होते हैं, तो चांस कहाँ से हैं डिटरमाइन करने की, अगर ये एक्स देगा तो फीमेल हो जाएगी, यहाँ से तो हमेशा एक्स ही आएगा, ठीक है। अगर यहाँ से एक्स आया तो एक्स एक्स बनेगा, क्या बनेगा, फीमेल फीमेल। और अगर यहाँ यहाँ से तो 100% एक्स आना ही है, और यहाँ अगर वाई आ गया तो एक्स वाई क्या बन जाएगा, मेल। तो सेक्स डिटर्मिनेट कौन कर रहा है, मेल कर रहा है ना, फादर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ फादर। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स आर, लिंग संलग्न लक्षण कैसे होते हैं। तो ये आपको बता दो, रिसेसिव होते हैं हमेशा, कैसे होते हैं, रिसेसिव होते हैं, अप्रभावी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सेक्स लिंक्ड डिजीजेस, इसमें से पूछा है सेक्स लिंक्ड डिजीज़ कौन कौन से है, तो हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है, कैसा है, हीमोफीलिया हीमोफीलिया कैसा होता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव रिसेसिव एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज होता है। बात की जाए कलर ब्लाइंडनेस की, कलर ब्लाइंडनेस, तो कलर ब्लाइंडनेस भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है, कैसा होता है, रिसेसिव, ठीक है। तो ये दोनों आप लोग याद रखेंगे। तो इसमें देखिए हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, ये दोनों सेक्स लिंक्ड डिजीज़ हैं एक्स क्रोमोसोम से, ठीक है। तो ये, और बात कीजिए ऑप्शन सी की सिकल सेल एनीमिया, तो सिकल सेल एनीमिया ये ऑटोसोमल डिजीज़ है, कैसा है, ऑटोसोमल डिजीज़, ये सेक्स लिंक्ड नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस सेक्स लिंक्ड डिजीज़ है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेरिडिटरी डिजीज़, ऐसा डिजीज़ जो वंशानुगत ना हो, जिसमें हेरिडिटरी ना हो, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नहीं पहुंच पाता है। तो क्रिटेनिज्म की बात की जाए तो राइट आंसर यही है, क्रिटेनिज्म जो है ये हेरिडिटरी डिजीज़ नहीं है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, ये ऐसे डिजीज़ हैं जो हेरिडिटरी होते हैं, वन जनरेशन टू टू जनरेशन ट्रेवल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू टू हीमोफीलिया, हीमोफीलिया के लिए कौन सा इसमें से ट्रू नहीं है। पहला रॉयल डिजीज़, तो रॉयल डिजीज़ इसको बोलते हैं शाही परिवार डिजीज़, रॉयल फैमिली डिजीज़ है, रानी के बारे में पढ़े ही होंगे वो, जहाँ से हीमोफीलिया डिस्कवर हुआ था। फिर है ब्लीडर्स डिजीज़, तो ये भी राइट आंसर है, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग ही तो होने लगती है, ब्लड को क्लोट करने वाले जो फैक्टर होते हैं उनका लेक हो जाता है, उनकी कमी होती है, इसीलिए ब्लीडिंग लगातार होती रहती है, तो इसको ब्लीडर्स डिजीज़ भी बोलते हैं। फिर एक्स लिंक्ड डिजीज़, तो आपको अभी बताए थे हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, ये एक्स लिंक्ड डिजीज़ होते हैं। फिर वाई लिंक्ड डिजीज़, तो ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, पूछा था नॉट ट्रू टू हीमोफीलिया, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, द क्रोमोसोमल कंडीशन इन टर्नर सिंड्रोम्स इज, टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की क्या कंडीशन होती है। और ये मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ठीक है। तो इसमें से पूछा है, देखो पहला है 21th ट्राइसोमी विद एक्स वाई, तो टर्नर सिंड्रोम जो होता है इसमें ट्राइसोमी नहीं होती, इसमें मोनोसोमी होती है, क्या होता है, मोनोसोमी मोनोसोमी, यहाँ 46 के जगह पे 45 गुणसूत्र रह जाते हैं, एक गुणसूत्र कम हो जाता है टर्नर सिंड्रोम में। तो देखियो इसमें तो ट्राइसोमी बता रहा है, फिर इसमें भी 44 3 47 44 3 47, तो ये तो ऑप्शन गलत है। लास्ट ऑप्शन जो ऑप्शन डी है, 44 ऑटोसोम्स प्लस एक्स जीरो, ये ओ का मतलब जीरो का मतलब है यहाँ पे अब्सेंट है एक, केवल एक्स क्रोमोसोम, तो 44 और एक 45 ही रह जाते हैं, एक कम पड़ जाता है, इसको मोनोसोमिक कंडीशन बोलते हैं। तो 45 होते हैं इसमें, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप लोग पूरा वीडियो अच्छे से देखा करिए, सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, इन्हीं में से आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, 100% गारंटी है। और अभी तक अगर चैनल को लाइक शेयर नहीं किए हो तो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए, ताकि उनका भी
हेल्प हो सके। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जल्दी से कर लीजिए ताकि आप तक सारी वीडियोस हमारी पहुंचती रहें। क्वेश्चन नंबर 17, थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी होती है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस 7200 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी? एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन नंबर 18, द प्रोसेस ऑफ सेल ईटिंग इज कॉल्ड, सेल ईटिंग के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो फैगोसाइटोसिस बोलते हैं, आप लोगों को पता होगा। देखो, फैगोसाइटोसिस सेल ईटिंग, पिनोसाइटोसिस जब सेल वाटर को या किन्हीं चीज़ों को चूसती है, खींचती है अंदर को, ठीक है, ये सेल है या बाहर से किसी चीज़ को खींच रही है तो इसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। और फैगोसाइटोसिस मतलब किसी चीज़ को ईट कर रही, इंगल्व कर लेती है, ठीक है, इस तरह से अंदर आ जाता है तो इसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। अगला ऑप्शन था इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस मान लो इस तरह से सेल थी और ये बैक्टीरिया था, तो बैक्टीरिया को अगले स्टेप में क्या करेगी, इस तरह से बैक्टीरिया को अंदर इंगल्व कर लेगी, इसको बोलते हैं इंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? इंडोसाइटोसिस। एक्जोसाइटोसिस मतलब सेल से कोई चीज़ बाहर निकल जा रही है, ये बाहर निकल गया, अंदर था वो बाहर निकल गया, इसको बोलते हैं एक्जोसाइटोसिस, ठीक है। इंडोसाइटोसिस, एक्जोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस और फिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, इन सब में डिफरेंट याद रखना, डिफरेंस, ठीक है। तो इसका सेल ईटिंग का जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19, द नेम प्रोटोप्लाज्म वाज गिवन बाय, प्रोटोप्लाज्म नेम किसने दिया था? तो एक साइंटिस्ट थे पुरकिंजे, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था। क्वेश्चन नंबर 20, द टर्म साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म गिवन बाय, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म टर्म किसने दिया था? तो इस टर्म को स्ट्रासबर्ग, एक साइंटिस्ट थे स्ट्रासबर्ग, उन्होंने बताया था साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, प्रोटोप्लाज्म वाज रिगार्डेड एज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बाय, कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बताया था, जीवन का भौतिक आधार? तो साइंटिस्ट थे एक हक्सली ने 1868 में बताया था कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म ये फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है, जीवन का भौतिक आधार है। क्वेश्चन नंबर 22, हु ऑब्जर्व्ड द माइटोकॉन्ड्रिया फर्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया को फर्स्ट टाइम किसने ऑब्जर्व किया था? तो आप सबको पता ही होगा, कोलिकर साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही पहले देखा था। क्वेश्चन नंबर 23, इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन्स एक्युमुलेटेड इन द, माइटोकॉन्ड्रिया में किस जगह है, किस लोकेशन पे प्रोटीन्स जो हैं एक्युमुलेट होती हैं, एक जगह सांद्रित होती हैं? तो आपको बता दें, ऑप्शन ए जो है इंटर मेम्ब्रेन स्पेसेस, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में बहुत सारा, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है प्रोटीन की, वहीं पे एक्युमुलेट होती है, ठीक है। मैट्रिक्स में क्या होता है, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो क्रेब्स साइकिल को चलाने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन जो है उसमें भी कुछ एक एंजाइम पाए जाते हैं। इनर मेम्ब्रेन तो जानते ही हो आप लोग, इसमें बहुत ही जो ऑक्सीडेशन होता है इनर मेम्ब्रेन पे, यफ नॉट और यफ वन पार्टिकल्स पाए जाते हैं ऑक्सीसोम्स, उसके थ्रू ऑक्सीडेशन होता है इनर मेम्ब्रेन पे। इस पर अलग अलग तरह के साइटोक्रोम ऑक्सीडेज वगैरह सब एंजाइम्स लगे होते हैं। तो प्रोटीन्स की बात की जाए तो प्रोटीन्स कहाँ एक्युमुलेट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, ठीक है। इस तरह से देखिए, ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है और ये है आपकी इनर मेम्ब्रेन। इस तरह से फोल्डिंग होती है इसमें। तो ये है इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और ये है आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और ये बीच में जो स्पेस है इसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। और बीच जो, देखो इसमें इसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, इसको याद रखना, ये है इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस और सेंटर में जो है जिसको, जिसके सराउंडिंग में इनर मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। यहीं पे क्रेब्स साइकिल होता है, क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होता है? यहीं पे होता है। तो इसको याद रखेंगे, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए इंटर मेम्ब्रेन स्पेस।
क्वेश्चन नंबर 24, F1 पार्टिकल्स या उसको बोलते हैं ऑक्सीसोम्स, एलिमेंटरी पार्टिकल भी बोल दिया जाता है, आर प्रेजेंट इन, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही होते हैं। जो ये आपका इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग है, इसको क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रिस्टी, क्रिस्टी। ये जो क्रिस्टी होती है, अगर एक क्रिस्टी को इस तरह से काट के बाहर मैग्नीफाई करके दिखाया जाए, तो ये मान लो आपकी है क्रिस्टी, इस पर इस तरह से ऑक्सीसोम्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? बहुत सारे ऑक्सीसोम्स लगे होते हैं, इसको एलिमेंट्री पार्टिकल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल या ऑक्सीसोम, ऑक्सीसोम। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है यफ नोट और एक होता है यफ वन और यफ नोट। ठीक है, इस तरह से ऑक्सीसोम के दो पार्ट होते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं? इनर मेम्ब्रेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया की, जो फोल्डिंग करके क्रिस्टी बनाती है, उस पर प्रेजेंट होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज माइटोप्लास्ट? माइटोप्लास्ट किसको बोलते हैं? तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन को हटा दिया जाए, तो उसको बोलते हैं माइटोब्लास्ट। ऑप्शन ए है मेम्ब्रेन लेस माइटोकॉन्ड्रिया, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि मेम्ब्रेन लेस का मतलब दोनों मेम्ब्रेन हटा रहे हो। फिर है एन अदर नेम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोब्लास्ट है माइटोकॉन्ड्रिया का एन अदर नेम, ये भी गलत। फिर है ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट आउटर मेम्ब्रेन, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको हटा दोगे तो उसको बोलेंगे माइटोब्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 26, फोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो अभी आप लोगों को बताए थे उसको क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। क्वेश्चन नंबर 27, हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया टर्म फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो सी बेंडा, इनका ऑप्शन भी सी है और इनका नाम भी है सी बेंडा, पूरा नाम है सी बेंडा, तो इसको याद रखेंगे। कोहली करने फर्स्ट टाइम देखा था और सी बेंडा ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया टर्म इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट टाइम, और अल्टमान ने इसको बायोब्लास्ट नाम दिया था। क्या दिया था? बायोब्लास्ट नाम। रॉबर्ट ब्राउन की बात करो तो ये न्यूक्लियस की डिस्कवरी किए थे। क्वेश्चन नंबर 28, सेल ऑर्गेनेल्स फाउंड ओनली इन प्लांट्स, इसमें से कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो केवल प्लांट में पाया जाता है? तो प्लास्टिड जो होते हैं, क्लोरोफिल और थैलेकोइड कंटेनिंग जो स्ट्रक्चर है प्लास्टिड, ये सेल ऑर्गेनेल केवल प्लांट में पाए जाते हैं। ठीक है, ओनली प्लांट में। राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये जो है ये प्लांट हो या एनिमल्स हो, सब में पाए जाते हैं, प्लास्टिड केवल प्लांट में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्लास्टिड्स। इससे पहले कल अभी DDO का एग्ज़ाम हुआ था जियोलॉजी का, तो उसमें मैंने उसका आंसर की दिया था, उसमें दो क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक थी, तो आप लोग उसको करेक्ट कर लेना, उसमें मिस्टेक हो गई थी मुझसे और मैंने उसको करेक्ट भी कर दिया है। वीडियो आप लोग देखेंगे तो पता चल जाएगा, तो उसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी, आप लोग अरेंज किसी तरह से मैनेज कर लेना। अगला क्वेश्चन है 29, द ब्राइट कलर्स ऑफ रिप फ्रूट्स आर ड्यू टू, जो ब्राइट कलर होता है रिप का या किसी भी फ्रूट्स का, तो क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं रंगीन लवक होते हैं। ठीक है, कलर्ड प्लास्ट होते हैं प्लास्टिड्स, तो क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 30, थैलेकोइड्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, थैलेकोइड तो आप लोगों को पता ही है क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं, इसी पे लाइट रिएक्शन होती है थैलेकोइड में ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, क्वांटासोम्स आर फाउंड इन, क्वांटासोम कहाँ पाए जाते हैं? तो ये भी क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। रेड कलर ऑफ टोमेटो ड्यू टू, टोमेटो का रेड कलर कैसे होता है, किसके कारण होता है? बीटा कैरोटीन की प्रेजेंट के कारण, एंथोसाइनिन, फिर लाइकोपेन और एरिथ्रोसाइनिन। तो जो लाइकोपेन होता है टमाटर में क्या पाया जाता है? टोमेटो में लाइकोपेन प्रेजेंट होता है, एक प्रकार का क्या है, वर्णक होता है। क्या होता है? वर्णक, ये रंगीन भी होता है लाइकोपेन। क्वेश्चन नंबर 33, मैन फंक्शन ऑफ डिक्टियोसोमीज, डिक्टियोसोम का मैन फंक्शन क्या होता है? रेस्पिरेशन, स्टोरेज या सेक्रेशन या ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स। तो ये इनका मैन फंक्शन होता है सेक्रेशन, या हिंदी में बोलते हैं इसको श्रावण,
ठीक है, डिक्टियोसोम का मेन फंक्शन होता है सिक्रेशन या श्रावण। क्वेश्चन नंबर 34, गोल्जी बॉडी ओरिजिनेटेड फ्रॉम, गोल्जी बॉडी कहाँ से ओरिजिनेट करती थी। इससे पहले भी एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है, अभी इससे पहले एक लेक्चर गया था उसमें भी क्वेश्चन था। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ओरिजिनेट करते हैं, ठीक है। 35, विच इज नॉट फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी का कौन सा फंक्शन नहीं है। सेक्रेशन, सेक्रेशन तो करते हैं गोल्जी बॉडी, फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये भी सही है, फिर फैट सिंथेसिस, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें पूछा नॉट फंक्शन, तो जो गोल्जी बॉडी होती हैं ये फैट का सिंथेसिस नहीं करती, फैट का सिंथेसिस होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, लेकिन गोल्जी बॉडी में फैट का ग्लाइकोसाइलेशन होता है, तो ये ऑप्शन गलत है, फैट सिंथेसिस। सेल वॉल फॉर्मेशन इसमें भी हेल्प करते हैं गोल्जी बॉडी। क्वेश्चन नंबर 36, क्रॉसिंग ओवर अकर्सिन, तो आपको कई बार बता चुके हैं कि क्रॉसिंग ओवर जो है ये पैकेटिन में मिलता है, किसमें, म्यूसिस फर्स्ट की, प्रोफेज फर्स्ट की थर्ड स्टेज होती है पैकेटिन स्टेज, इस पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसमें क्या होता है बहुत इसमें रिकॉम्बिनेशन होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के ओवरलैपिंग से क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, ठीक है, उससे बहुत सारे रिकॉम्बिनेशन नए नए तैयार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिंकेज डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ, जो लिंकेज है सहलग्नता ये किसकी आवृत्ति को, फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करती है, तो हाइब्रिड की फ्रीक्वेंसी कम करती है, जितना ज़्यादा लिंकेज होगी हाइब्रिड उस उतना ज़्यादा कम बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, लिंकेज वाज फर्स्ट ऑब्जर्व इन, लिंकेज को सबसे पहले कहाँ पर ऑब्जर्व किया गया था, फील्ड पी, स्वीट पी या ग्रेस पी, तो ये जो स्वीट पी है मीठी मटर, मीठी मटर में सबसे पहले लिंकेज को ऑब्जर्व किया गया था। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, वह मिनिमम से मिनिमम साइज का पार्ट ऑफ डीएनए, डीएनए का मिनिमम पार्ट जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल है उसको क्या बोलते हैं, सिस्टोन, म्यूटोन, रेकोन, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा रेकोन। रेकोन एक डीएनए का पार्ट ही है, कुछ जीन के सीक्वेंस ही हैं, ठीक है, वो छोटा सा छोटा पार्ट जिसमें क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल हो तो उसको बोलते हैं रेकोन। फिर है क्वेश्चन, काइज़मा शोज द साइट्स ऑफ, काइज़मा शो द साइट ऑफ स्पिंडल फॉर्मेशन, सिनेप्सिस, क्रॉसिंग ओवर, नॉन ऑफ द इज, तो जो क्रॉसिंग ओवर है इसी में क्या होता है, काइज़मेटा का फॉर्मेशन होता है जब क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, बेसिस एक्टिवेटिंग द एग एन अदर रोल ऑफ अ स्पर्म इज टू कैरी टू एग, जो स्पर्म होता है उसको एग को कैरी करने के अलावा और भी क्या कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि अपना खुद का वो जेनेटिक मटेरियल भी तो साथ में लेके जाता है डीएनए। फिर है लीफ कलर इज इन मिराबिलिस जलापा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मिराबिलिस जलापा आप लोग पढ़े होंगे जेनेटिक्स में, तो ये नॉन मेडिसिन मेंडेलियन इनहेरिटेंस है, क्या है, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। क्वेश्चन नंबर 43, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज फाउंड इन, लीफ कलर इन मिराबिलिस जलापा इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस या मेंडेलियन इनहेरिटेंस। अगला ऑप्शन है केमिकल इनहेरिटेंस, तो ये जो है मेंडेलियन इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है, सॉरी, क्योंकि मेंडेल ने जो लॉज दिए थे उसी पे इसको भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है इसके लीफ के कलर का। क्वेश्चन नंबर 43, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज फाउंड इन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस अपूर्ण प्रभाविता किसमें मिलती है, तो एंटीराइनम मेजस जो होता है, क्या, एंटीराइनम मेजस, इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखा गया। एंटीराइनम मेजस का और भी नाम होता है, ड्रैगन फ्लावर भी बोलते हैं, ठीक है, मिराबिलिस जलापा वही है एंटीराइनम मेजस, तो इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है। आप लोग याद रखिएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो सेम होता है 1:2:1। कापा पार्टिकल्स इंडिकेट्स, कापा पार्टिकल क्या इंडिकेट करते हैं, न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, म्यूटेशन, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। क्वेश्चन नंबर 45, प्लाज्मेट्स फाउंड इन बैक्टीरिया आर, जो बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मेट पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं,
एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, तो ऑप्शन तो पहला ही सही है। फूड पार्टिकल, डेड प्रोटोप्लाज्मिक पार्ट्स, नन ऑफ द अबव, तो इसका राइट आंसर है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। आपको बता दें जो प्रोकैरियोट्स होते हैं बैक्टीरिया होते हैं, क्या है बैक्टीरिया, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इस तरह न्यूक्लियर मटेरियल पड़ा होता है, और भी चीज़ें होती हैं, राइबोसोम्स वगैरह, मीसोसोम्स होते हैं, इस तरह से आपको बताए थे, इनर फोल्डिंग होती है मीसोसोम्स की। लेकिन इसमें एक डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, कैसा, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं, क्या प्लाज्मिड, तो ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर है क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए होता है, तो किसमें होता है, प्लाज्मिड, फाउंड इन बैक्टीरिया आर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर है 46, द एफ2 जनरेशन ऑफ स्प्रिंग इन अ प्लांट शोइंग इनकम्प्लीट डोमिनेंस, पूछा गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब अपूर्ण प्रभाविता एग्जिबिट, ऑप्शन ए वेरिएबल जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो, तो वेरिएबल नहीं होता, अभी आपको बताए थे कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है उसमें जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो सेम होता है, 1:2:1। अगला है आ जीनोटिपिक रेशियो ऑफ 1:1, केवल जीनोटिपिक की बात की गई नहीं, तो ये कितना होता है 1:2:1। फिर आप फिनोटिपिक रेशियो ऑफ 3:1, तो ये भी कैसा होता है, सेम होते हैं जीनोटिपिक फिनोटिपिक। लास्ट ऑप्शन डी सिमिलर फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो ऑफ 1:2:1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, प्रोफेज इज लॉन्गर इन माइटोसिस मियोसिस इक्वल इन बोथ या एमाइटोसिस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मियोसिस, क्योंकि आपको बता दें हम ये जो माइटोसिस होता है, क्या होता है माइटोसिस, तो माइटोसिस इसमें भी देखो एम फेज होता है, एम फेज और इंटर फेज, एम फेज में क्या होता है प्रोफेज और मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, इतने पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, तो इसका प्रोफेज सिंपली क्या, इसको प्रोफेज को फर्दर डिवाइड नहीं किया गया। इंटरफेज में क्या होता है G1, S, G2 तीन पार्ट में डिवाइड है। अगर मियोसिस की बात की जाए, मियोसिस तो इसमें यम फेज होता है और इंटरफेज होता है, इंटर फेज, और यम फेज में जो प्रोफेज आता है, प्रोफेज इसको फर्दर डिवाइड किया गया। देखो मेटाफेज इसमें म्यूसिस फर्स्ट की बात की जा रही है, म्यूसिस फर्स्ट की और म्यूसिस सेकंड भी होता है, तो म्यूसिस फर्स्ट का जो प्रोफेज है और मेटाफेज होगा इसी तरह से, और क्या होगा एनाफेज भी होगा और टीलोफेज भी होगा, सेम है ना, जैसे यहाँ वैसे यहाँ, लेकिन इसके प्रोफेज को फर्दर डिवाइड नहीं किया गया है और मियोसिस के प्रोफेज को फर्दर और डिवाइड किया गया है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन और पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो इस प्रोफेज को देखा जाए, प्रोफेज फर्स्ट को, तो ये बहुत लॉन्ग होता है, इसमें बहुत सारी स्टेजेज आती हैं, तो माइटोसिस के कंपेरिजन में मियोसिस का प्रोफेज लॉन्ग होता है, तो प्रोफेज इज लॉन्गर इन मियोसिस। क्वेश्चन नंबर 48, डीएनए रिप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन, तो डीएनए रिप्लिकेशन यस फेज में होता है, देखो इसमें ये जो इंटर फेज है इसमें जो यस आ रहा है इसमें डीएनए रिप्लिकेशन होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा गया है, डीडीयू में भी कल ही पूछा गया है। द टर्म माइटोसिस वॉज प्रपोज्ड बाई, माइटोसिस टर्म किसने प्रपोज किया था, तो ये जो साइंटिस्ट थे फ्लेमिंग, उन्होंने दिया था। माइटोटिक स्पिंडल हैव मैन प्रोटीन,
तो माइटोटिक स्पिंडल जो होते हैं कौन से प्रोटीन से बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन से। किससे? ट्यूबुलिन प्रोटीन। लाइसोसोम वीर डिस्कवर्ड बाय, लाइसोसोम को किसने डिस्कवर किया था, हैकल, डी डुबे, डी वेरीज या पुरकिंजे। तो साइंटिस्ट थे डी डुबे, ठीक है, इन्होंने लाइसोसोम को डिस्कवर किया था। तो हमारा और आपका प्यारा सा चैनल बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए पूरे कंसंट्रेशन के साथ, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोगों के आने ही वाले हैं, कुछ जगह हो भी रहे हैं, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक लिए ओके बाय।